सो हाय फ्रेंड, आ गए फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोग को बताए थे पिक्सेड एप्लीकेशन में बैकग्राउंड आप लोग को चेंज करके सिखाएंगे, तो वही सिखाने वाले आप लोग को पिक्सेड एप्लीकेशन में। आज टी शर्ट का भी कलर चेंज करेंगे सिर्फ पिक्सेड एप्लीकेशन में, और चश्मे भी कलर डालेंगे पिक्सेड एप्लीकेशन में। बस ओनली पिक्सेड एप्लीकेशन में सब कुछ होने वाला है। फ़ोटो आप लोग को बहुत औसम बना के दूंगा पिक्सेड एप्लीकेशन में। तो आप लोग को ओपन कर लेना है पिक्सेड एप्लीकेशन, थोड़ा वेट करते हैं। तो ओपन होने के बाद प्लस के आइकन आएगा, तो प्लस पे क्लिक कर देंगे हम लोग। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को बोलेगा बैकग्राउंड ऐड करने के लिए, तो आप लोग को जो बैकग्राउंड होगा आपको ऐड कर लेना है। इस तरीके से देख लीजिए हम ऐड किए हैं, तो इस तरीके से कर लेना है आपको। अगर बैकग्राउंड चाहिए वाला तो मैं PNG मटेरियल डाल दूंगा, आप लोग आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा ब्लर कर लेते हैं इसको, इसमें आके वीडियो में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा ब्लर कर लेते हैं इस तरीके से। 29 रखेंगे, नीचे रखेंगे 28, यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ से थोड़ा लाइट मारेंगे इस पर, तो इसका भी PNG डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से ऐड कर लेना है, देख सकते हैं फोटो को, जो बैकग्राउंड को जूम करके अपने सेट कर लेना है अपने हिसाब से जिधर रखना चाहते हैं। इसको देख स्क्रीन कर देंगे, देख सकते हैं हो गया, यहाँ से डन कर देंगे। फिर से वही हाई ब्लर करेंगे थोड़ा, उसी में आके इफेक्ट में, तो इसको थोड़ा हार्ड ब्लर करेंगे अब, जो बैकग्राउंड पूरा फुल HD लगे देखने में, देख सकते हैं। इतना कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। आप लोगों को जूम करके दिखा देते हैं, देखिए कितना फुल HD हो गया बैकग्राउंड। तो इस तरीके से हाई ब्लर करते हैं बैकग्राउंड को, और जो फोटो काट के रखे थे आप लोग ऑटोडेस्क में, तो उसी को मैं ऐड करने वाला हूँ। तो जो ऑटोडेस्क में वीडियो नहीं देखे होंगे इसका कटिंग का वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आसानी से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को कटिंग नहीं करने आता है तो देख सकते हैं, पूरा जो क्वालिटी आप लोग का फोटो में था वही क्वालिटी अभी भी है काटने के बाद भी। कितना हैवी दिख रहा है, कितना ऑसम, देखिए गाइस थोड़ा भी नहीं फटा है फोटो, देख सकते हैं जितना क्वालिटी था उतना ही क्वालिटी में कटा हुआ है गाइस। तो चलते हैं, थोड़ा इसको डालेंगे चश्मे में कलर। इस तरीके से आने के बाद जो आपको कलर रखना होगा तो आप कलर रख सकते हैं, हम रेड रखने वाले हैं, देख सकते हैं। तो फोटो को दोनों हाथ से जूम करके आपको अच्छे से ब्रश को एडजस्ट करके बड़ा छोटा साइज कर सकते हैं, इधर से इस तरीके से आराम से चलाना है ब्रश को। हर बार आएंगे तो नहीं होगा गाइस, आराम से करना है आप लोग को, जब तक आप लोग का हाथ बैठ न जाए वैसा करना है। तो बड़ा छोटा साइज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना आपको लगता है, जितना साइज चला सकते हैं आप लोग तो उतना बड़ा छोटा करके आप लोग चला लीजिएगा। इस तरीके से देख सकते हैं कितना ऑसम दिख रहा है। तो इसमें भी हली हली मार लेते हैं, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते हैं गाइस, आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो गाइस देखिए हो गया अपना फोटो में, देखिए क्वालिटी ही बदल गया गाइस, कितना ऑसम दिख रहा है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा लाइट कम करेंगे गाइस, इस तरीके से कर लेना है आप लोग को। तो यहाँ से डन कर देते हैं गाइस, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रहा था, तो यहाँ से डन कर देते हैं गाइस। देख सकते हैं कितना ऑसम दिख रहा है। तो टी शर्ट में कलर डालेंगे आपको इसी में, आप लोग देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ गाइस, जो न्यू वीडियो आएगा जब भी डालेंगे अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर से रेड रखते हैं, रेड नहीं रखेंगे, थोड़ा लिफ्ट में लगाएंगे,
इस पर भी आपको सिखाएंगे कैसे लगाते हैं लिफ्ट पे। इस तरीके से आपको साइज बहुत छोटा कर लेना है गाइस, तो आपको चलाने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से कर लेना है, देख सकते हैं हो गया। इसको थोड़ा लाइट को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, 33.2 रख देंगे, देख सकते हैं। डन कर देंगे फोटो को फिर से, तो फिर उसी में आएंगे जिसमें अपने को शर्ट का कलर चेंज करना है, इसी में आएंगे। फिर हम रेड भी रेडी लेने वाला हूँ चॉइस, बाद में कलर अपने चेंज कर लेंगे। तो रेडी लेता हूँ इस तरीके से। तो थोड़ा गाइस एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, इधर उधर का आवाज़ जा रहा होगा, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। माइक लेने वाला हूँ गाइस आप लोग के लिए, देख सकते हैं इस तरीके से मार लेंगे हाली हाली। आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ गाइस। इस तरीके से मार लेना है आपको, थोड़ा भी छोड़ना नहीं है गाइस शर्ट पे, कोने कोने में मारना है आप लोग को, दिखना नहीं चाहिए। देख सकते हैं कितना ऑसम दिख रहा है। यहाँ पे लाइट एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद थोड़ा देख सकते हैं इधर छूट गया था, इधर भी मार लेंगे अच्छे से, मार लेंगे इधर भी इस तरीके से। देख सकते हैं कितना ऑसम दिख रहा है गाइस। अभी और थोड़ा सेटिंग करेंगे इसका, शर्ट का कलर चेंज करेंगे, रेड कुछ जम नहीं रहा है गाइस टी शर्ट पे, और दूसरे कलर चेंज करेंगे। आप इधर से देख सकते हैं जो कलर लेना होगा आप लोग को, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत तरीके का है। ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है गाइस, तो इसको ही मैं डन करता हूँ। यहाँ से 100 कर देंगे इसको, यहाँ से फोटो को डन कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना ऑसम दिख रहा है गाइस, फोटो दिख रहा है ना गाइस आप लोग का सामने। बैकग्राउंड चेंज किया है सब कुछ, तो थोड़ा टी शर्ट का भी कलर चेंज करेंगे और बैकग्राउंड को भी आप लोग का चेंज करने का सिखाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग को जो कलर रखना होगा आप लोग का, तो वहाँ से कलर रख सकते हैं। जो पहले का फोटो का कलर था मैं वही रखने वाला हूँ, तो इसको ही डन करता हूँ मैं गाइस इस तरीके से करना है। देख सकते हैं कितना ऑसम दिख रहा है गाइस। तो बैकग्राउंड का ही सेम कलर आ लेता हूँ टी शर्ट का भी, यहाँ से आसानी से अब कलर चेंज हो सकता है टी शर्ट का। पहले सफ़ेद था इसलिए कलर इस पर नहीं धरता, इसलिए मैंने कलर को इस पर मारा गाइस। फेस पे आ गया तो फेस पे क्या थोड़ा मिटा देंगे इस तरीके से, ब्रश चला के इस तरीके से फोटो को जूम करके आराम से कर लेना है आप लोग को। ऐसे डन कर देंगे गाइस, देख सकते हैं कितना ऑसम दिख रहा है गाइस फोटो। तो फोटो को यहाँ से हम थोड़ा इधर लाइट उट एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा देख सकते हैं इसको कर देंगे आगे, इसको भी आगे थोड़ा कर देंगे, सिचुएशन के भी थोड़ा आगे कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम फोटो को डन करेंगे, तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे आप लोग का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।